ग्लोरी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आरएन ग्लोरी। और आज के वीडियो में आप सभी लोगों को बताएंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फर्स्ट हमको जो भी दिया हुआ है इसको क्या करना है कि इसमें पहले इसका जो मान है वो 0 रख के सॉल्व करना है, फिर 1 रख के सॉल्व करना है, फिर 2 रख के सॉल्व करना है, तब जाकर ये जो फर्स्ट है वो हमारा कंप्लीट सॉल्व होगा। अब इसी तरह सेकंड में भी करना है, सेकंड में भी एक बार हमको 0 रख के सॉल्व करना है, एक बार 1 रख के सॉल्व करना है, एक बार 2 रख के सॉल्व करना है, इसी तरह तीसरा भी होगा, इस तरह चौथा भी होगा। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर कि P कोष्टक में y इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे P, अब यहाँ पर क्या है y है तो हम लिख देंगे 0 इक्वल टू, फिर y है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों 0 का स्क्वायर माइनस, अब y है तो 0 प्लस 1। तो आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पर ये हमने लिख लिया। अब इसी तरह से यहाँ पर है P कोष्टक में 0, तो इसको हम इसी तरह से लिखते जाएंगे, इससे हम नहीं बदलेंगे। तो ये हो जाएगा P 0 इक्वल टू, अब 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, फिर 0 आ गया इक्वल टू। अब देखें कि जब 0 में से हम 0 माइनस करेंगे तो 0, अब 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1, मीन्स यहाँ पर आ गया 1, तो P0 इक्वल टू हो गया 1। तो ये क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो अब हमने यहाँ पर इसका मान 0 रख के सॉल्व कर लिया, अब हम 1 रख के सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर P लिखेंगे, अब हमको मान 1 रख के सॉल्व करना है इसलिए 0 नहीं 1 लिखेंगे। तो 1 इक्वल टू y है तो 1 स्क्वायर माइनस, फिर y है तो 1 आ गया प्लस 1। तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया P 1 इक्वल टू, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 माइनस 1 प्लस 1, तो अब 1 से 1 कट जाएगा तो कितना बचा 1 बच गया। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे कि P 1 इक्वल टू 1, या फिर दोस्तों हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 में से 1 माइनस किए तो 0, अब 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया, मीन्स कि जब हमने 1 रख के सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 1। अब चलिए दोस्तों हम इसको 2 रख के सॉल्व करते हैं, इसका जो मान है वो 2 रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए P का मान 2 रखेंगे इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो अब P 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, तो 4 माइनस अब 2 प्लस 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 प्लस 1 P 2 इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों 4 में से 2 माइनस किए तो 2, अब 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। चलिए हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, 4 में से 2 माइनस किए 2, तो 2 प्लस 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3, मीन्स ये हो गया P 2 इक्वल टू 3। इसी तरह के दोस्तों आप ढेर सारे बहुपद बनाया करिए और इसमें कभी कभी मान रख दिया करिए, आप 3, 4, 5 मीन्स कुछ भी मान रख के सॉल्व किया करिए। तो इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है P T, तो सबसे पहले T की जगह हम क्या रखेंगे 0, 0 इक्वल टू 2 प्लस, अब यहाँ पर T है तो इसकी जगह पर 0 हो जाएगा, फिर प्लस 2 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो यहां पर देखिए दोस्तों कि सबसे पहले आगे हम लिखेंगे P 0 इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2, अब 0 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 लिख दिया माइनस, अब 0 का क्यूब करेंगे तो भी 0 ही आएगा, तो हमने 0 लिख दिया। अब लिखेंगे P 0 इक्वल टू 2 प्लस 0, अब यहाँ पर प्लस 2 का मल्टीप्लाई जब 0 में करेंगे तो कितना आएगा प्लस 0 आएगा, माइनस 0 लिख देंगे आगे, तो P 0 इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, देखिए
टू प्लस जीरो कितना हो गया टू, फिर टू प्लस जीरो टू, अब टू में से जो नॉइस करेंगे तो टू, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि आप बिना कुछ किए यहाँ पर आसानी से टू लिख सकते हैं, मीन्स आ गया पी जीरो इक्वल टू टू। चलिए अब हम इसका मान वन रख के इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम इसका मान वन रखेंगे, तो सबसे पहले देंगे पी वन इक्वल टू टू प्लस वन प्लस टू वन स्क्वायर माइनस वन क्यूब। तो देखिए आगे लिखेंगे पी वन इक्वल टू टू प्लस वन प्लस टू, अब वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों वन, तो यहां पर हम लिख देंगे वन माइनस, अब वन का क्यूब क्या होगा वन ही होगा, हम लिख देंगे वन, फिर लिखेंगे पी वन इक्वल टू टू प्लस वन, अब प्लस टू का मल्टीप्लाई जब वन में होगा तो कितना आएगा प्लस टू ही आएगा माइनस वन लिख देंगे। तो आगे देखिए दोस्तों ये पी वन इक्वल टू, अब देखिए कि यहाँ पर टू प्लस वन कितना हो गया थ्री, और थ्री प्लस टू फाइव, और फाइव में से वन माइनस करेंगे तो कितना आया फोर आ गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पी वन इक्वल टू फोर। तो अब हमने वन रखकर क्यूब सॉल्व कर लिया, अब चलिए हम यहाँ पर टू रख के इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे थ्री टू इक्वल टू टू प्लस टू प्लस टू टू स्क्वायर माइनस टू क्यूब। तो अब यहां हम लिखेंगे पी टू इक्वल टू टू प्लस टू प्लस टू, अब टू का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, तो हम यहां लिख देंगे फोर माइनस, अब टू का क्यूब क्या हो जाएगा एट, तो यहां लिख देंगे एट। अब आगे हम लिखेंगे पी टू इक्वल टू टू प्लस टू, अब प्लस टू का मल्टीप्लाई हम फोर में करेंगे तो कितना आएगा प्लस एट, हमने लिख दिया प्लस एट माइनस एट, आगे माइनस एट है तो हमने लिख दिया माइनस एट। अब दोस्तों एट से एट कटेगा तो टू प्लस टू बचा, तो यहां पर पी टू इक्वल टू टू प्लस टू कितना होता है फोर होता है, या फिर दोस्तों हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि टू प्लस टू हो गया फोर, फोर प्लस एट हो गया ट्वेल्व, अब ट्वेल्व में से एट माइनस करेंगे तो फोर आ गया, मीन्स कि पी टू इक्वल टू फोर। तो अब हमने इसको भी टू रख के सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है दोस्तों कि पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पर देखिए कि अब इसमें भी हमको एक बार जीरो एक बार वन एक बार टू रख के सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। तो हम पहले जीरो रख के करेंगे, तो पी जीरो इक्वल टू जीरो क्यूब, तो पी जीरो इक्वल टू आ गया जीरो, मींस कि ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, हमने जीरो रख के कर लिया। अब हम वन रख के करेंगे, तो पी वन इक्वल टू वन क्यूब, फिर पी वन इक्वल टू वन आ गया, ओके वन का क्यूब क्या होता है वन होता है, मीन्स अब भी हमारा हो गया पी वन इक्वल टू वन, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमने वन रख के भी कर लिया, अब चलिए इसका मान हम टू रख के करते हैं, तो पी टू इक्वल टू टू क्यूब, पी टू इक्वल टू, अब टू का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों एट हो जाएगा, मीन्स हमने लिख दिया एट, तो पी टू इक्वल टू एट, मीन्स अब ये हमारा आंसर आ गया। तो जो थर्ड है भी हमने सॉल्व कर लिया, चलिए देखते हैं इसके आगे, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन फिर एक्स प्लस वन, तो हम लिखेंगे पी अब एक्स है तो जीरो इक्वल टू अब एक्स माइनस वन, यानी कि हम लिख देंगे जीरो माइनस वन, फिर क्या है एक्स प्लस वन है तो हम लिख देंगे जीरो प्लस वन। तो देखिए पी जीरो इक्वल टू, तो अब आगे है जीरो माइनस वन तो कितना आएगा माइनस वन आएगा, मीन्स कि ब्रैकेट में हम लिखेंगे माइनस वन, नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए क्या है जीरो प्लस वन, तो जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा वन, मीन्स हमने पढ़ लिख दिया। तो अब लिखेंगे हम पी जीरो इक्वल टू अब माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस वन, मीन्स ये हो गया पी जीरो इक्वल टू माइनस वन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम इसका मान वन रख करके,
तो वन हमने इसका मान रखा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वन माइनस वन, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा वन प्लस वन, तो P1 इक्वल टू, तो आगे है 1 माइनस 1 फिर 1 प्लस 1, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 0, अब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तब 0 को मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, पर आ जाएगा 0, मींस आंसर आ गया 0। अब चलिए दोस्तों हम 2 रख के सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम रखेंगे P2 इक्वल टू 2 माइनस वन, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है टू प्लस वन, तो अब आगे देखिए यहाँ पर पी टू हमने लिख दिया, अब टू में से जब वन माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, टू में से वन माइनस करेंगे तो वन, मींस वन लिख दिया, अब फिर टू में जब वन प्लस करेंगे तो कितना आएगा थ्री आ जाएगा, तो पी टू, अब दोस्तों जब वन का मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे तो कितना आएगा थ्री आएगा, मीन्स यहाँ पर हो गया 3, तो अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं सब दोस्तों की तरफ से जय जय भारत।